और 50,000 दिए थे सर मैंने। वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे पैसे। देश में कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत होने जा रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की इस कम्युनिटी पोस्ट को पढ़ें। उन्होंने लिखा है कि मेरे नवीनतम वीडियो को हटाने को लेकर मेरी टीम पर बहुत दबाव आ रहा है। यह स्पष्ट है कि हम इसे किसी भी स्थिति में नहीं हटाएंगे। वास्तव में जिस व्यक्ति ने इस स्कैम को उजागर किया है उनके पास उनका स्टेटमेंट चेंज करने के लिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास सभी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, पर मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ क्योंकि यह मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ खड़े हैं। हाल ही में संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें थंबनेल में लिखा है बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इसका मतलब है कि इस वीडियो में संदीप जी ने किसी बड़े स्कैम का खुलासा किया है। इस खुलासे में वीडियो के शुरुआत में दिख रहे इन दो चेहरों का बहुत अहम रोल है। ये दोनों ही व्यक्ति वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि किसी एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने इनके बिजनेस सिखाने के नाम पर हजारों रुपए लिए। हालांकि इन्होंने डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा कर रहे हैं कि वो भारत के बहुत बड़े बिजनेस कोच और यूट्यूबर हैं और उनका बहुत नाम है। उन्होंने बिजनेस सिखाने के नाम से हजारों रुपए में अपना कोर्स बेचा और अब उसी कोर्स को दूसरों को बेचने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, यानी बिल्कुल MLM बिजनेस मॉडल पर, जिसमें आप पहले किसी प्रोडक्ट को खुद खरीदते हैं फिर उसी प्रोडक्ट को दूसरों को बेचते हैं। हालांकि इस छलावे का सालों साल पहले हम भी शिकार हो चुके हैं, फिर खूब अपने करीबियों को भी शिकार करने की कोशिश की है। उसके बदले में हमें कुछ कमीशन मिलता था। ठीक उसी तरह मार्केट में बहुत सारे कोर्स बेचे जा रहे हैं, फिर उसी कोर्स को आप आगे किसी को बेचते हो तो आप कमीशन बना सकते हो। खैर, इन दोनों लोगों ने यहाँ ये बताया कि एक ने 50,000 रुपये में और दूसरे ने 35,000 रुपये में एक कोर्स खरीदा। इन्होंने यह भी बताया कि अलग अलग लेवल के हिसाब से ये कोर्स 1,00,000 से लेकर 10,00,000 रुपये तक बेचे जाते हैं। जब इनसे पूछा गया क्या इस बिजनेस कोर्स को लेने के बाद आपको बिजनेस करना आया, तो इन्होंने बताया कि नहीं, हमको सिर्फ कोर्स बेचा गया, ना कि बिजनेस करना सिखाया गया। इसके बाद हमको इसी कोर्स को आगे सेल करने के काम पर लगा दिया गया। यानी कि स्पष्ट है कि पहले आप इनसे हजारों रुपए में इनका प्रोडक्ट खरीदें, फिर वही प्रोडक्ट आगे किसी को बेचें, फिर आपको एक फिक्स कमीशन मिलेगा। इन दोनों स्टूडेंट के अनुसार ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट को टारगेट करते हैं जो अभी तक काम पर नहीं लगे हैं या फिर कोई नया बिजनेस सीखना चाहते हैं। वो बिजनेस सीखने के नाम पर इन कोर्सेज को ले लेते हैं, फिर उनको इसी काम में लगा दिया जाता है। महेश्वरी जी सीधे सीधे कहते हैं कि यदि 1,00,000 लोग ऑन एवरेज इस कोर्स को 50,000 रुपये में खरीदते हैं तो ये 500 करोड़ हो जाता है। वीडियो के अंदर यह भी दावा किया जा रहा है कि बड़े बड़े लोग इन कोर्सेज को खरीदते भी हैं, फिर प्रमोट भी करते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, फिर इस ट्रस्ट के साथ ही इनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा तो लाखों लोग इस कोर्स को खरीद लेते हैं। एक स्टूडेंट ने तो यह भी बताया कि एक मेरे जानने वालों ने पहले तो मेरे माँ बाप को कन्विंस किया कि आपके बेटे को ये कोर्स करवा दो। हालांकि दावा यह किया गया कि इन्होंने इस उम्मीद से कोर्स लिया होगा, फिर इनको इस तरह से कोर्स बेचने के लिए कहा होगा, इसलिए सबसे पहले इन्होंने हमारे माँ बाप को कन्विंस किया और फिर माँ बाप ने हमसे कोर्स खरीदने को कहा। और स्टूडेंट ने दावा किया कि कमेंट सेक्शन में इन लोगों को भर भर कर गालियाँ मिलती हैं और लोग बताते हैं कि ये फ्रॉड है, कोर्स के नाम पर कैसे पैसे लेकर लोगों को अपना एजेंट बनाया जा रहा है। इसके बाद संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि आप लोग इनसे इनके अगेंस्ट कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? यदि 100 लोग भी एक साथ मिलकर कोर्ट जाएंगे तो कुछ ना कुछ आउटकम आएगा, या फिर इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? संदीप माहेश्वरी जी सलाह देते हैं कि अगर कोर्स खरीद कर आपको थोड़ा भी अगर फायदा हो रहा है, आपको बोला गया तो वो सीख रहे हैं, इस कोर्स को लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोर्स के नाम पर सिर्फ आपको एजेंट बनकर इसे प्रमोट करवाया जा रहा है तो टोटली फ्रॉड है। इसके बाद संदीप जी लोगों को आग्रह करते हैं कि आप अपने स्तर पर सोशल मीडिया, जहां भी आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इसके अन्य खिलाफ अन्य अकाउंट हैं, इनके खिलाफ लिखें, मैसेज करें, पोस्ट करें, उनको उजागर करने में मदद करें। अंत में संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि अगर वास्तव में आपको लगता है कि आपके खिलाफ धोखा हुआ है या फिर आपके खून पसीने की कमाई गई है तो आप इनके खिलाफ कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं। खैर, हमने अपने स्तर पर भी सोशल मीडिया के टूल्स के माध्यम से इनकी जाँच परख की तो काफ़ी लोग इनके खिलाफ लिख रहे हैं कि किस तरह से उनको बिजनेस सिखाने के नाम पर प्रलोभन देकर कोर्स बेचा गया, फिर अपना एजेंट बनाकर कोर्स आगे बेचने के लिए कहा गया। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि कंट्रोवर्सी किसी बड़े नाम की तरफ इशारा कर रही है जो देश में जाने माने नाम है। हालांकि नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि नोटिस भेजने में बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि कोर्स वाकई आपको कुछ सिखाता है या आपके बिजनेस या नॉलेज को ग्रो करने में मदद करता है तो आप कोर्स ले सकते हैं, लेकिन यही कोर्स
लेकिन यही कोर्स इसलिए ही है कि यही काम आपसे करवाया जाए और आपको कमीशन दिलवाया जाए। कोर्स में कोई दम नहीं है, कोर्स से आपको कुछ सीखने को मिले तो यह बहुत बड़ा फ्रॉड है, धोखा है, इनसे बचा जाए। इसी पर अभी से रुझान आने शुरू हो गए हैं, लोगों ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लिखना शुरू कर दिया है कि कोर्स के नाम पर उनसे किस तरह पैसे लिए गए और फिर उन्हें एजेंट बनाकर यही काम करवाया गया। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी से संबंधित हम सभी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।